हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.6 पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। फिगर दिया हुआ है लेकिन हम यहाँ पे जान के थोड़ा सामने में और बनाएंगे ताकि और क्लियर हो। देखिए, ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। देखिए, ए बी सी एक ट्राइंगल है इन विच एंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी ये वाला जो एंगल है ये 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90, और दिखने में भी लग रहा है 90 से बड़ा है। एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये बी सी जो लाइन है इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपका ए डी जो है ये ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। ऐसे आपको याद रखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में मतलब हाइपोटेन्यूज बाहर की तरफ बनता है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू बी डी। तो क्वेश्चन को देखने से ही समझ में आ रहा है कि ए सी स्क्वायर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ए डी सी, और ये ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब ये है कि पक्का ये पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा और बिल्कुल आसान है। तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं गिवन में पूरा आप लिख लीजिए जो भी चीज़ दिया हुआ है। तो जो भी गिवन था उसको लिख लेंगे। ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ए बी सी ग्रेटर देन 90, ए डी परपेंडिकुलर टू सी बी। प्रूव करना है वो सब लिख लिए। अब चलते प्रूफ में सीधा। प्रूफ में हम लोग देखिए ए सी स्क्वायर कैसे आएगा। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल को, ये बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, इस बड़े वाले ट्राइंगल में जहाँ पे एंगल ए डी सी 90 डिग्री है और 90 है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी बी डी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हमें क्वेश्चन में ए सी चाहिए, ए डी नहीं चाहिए, है ना। ए डी की जगह में यहाँ ए बी है और बी सी, तो AD को रिप्लेस करने के लिए पहले AD का वैल्यू निकालेंगे। तो AD का वैल्यू इस छोटे वाले ट्राइंगल ADB से निकल जाएगा। फिर यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्राइंगल ADB, यहाँ पे आपका एंगल ADB 90 डिग्री है, तो यहाँ भी पाइथागोरस लगा लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे रीजन में बाय पाइथागोरस थ्योरम, और ये इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे जब लगाएंगे छोटे वाले ट्राइंगल में तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बी डी या डी बी बात बराबर है, ये हो जाएगा इसको। और क्या करते हैं, ए डी का वैल्यू निकालते हैं, ये प्लस बी डी को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं ए डी स्क्वायर जो है ए डी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, इस ए बी स्क्वायर में इसको इधर लाकर माइनस कर देंगे बी डी स्क्वायर के, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से ए डी का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट ए वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर इन 1, इसको 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, इस ए डी की जगह में ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है, इसको पुट कर दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए ये आपका डी सी हमें नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी डी सी नहीं है, यहाँ पे डी सी नहीं चाहिए, तो डी सी का वैल्यू फिर से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इस डी सी को हम लोग लिख सकते हैं डी सी इज इक्वल टू बी डी, इस बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 4 देंगे और 4 को 3 में पुट कर देंगे, तो देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और इस डी सी के जगह में डी सी का वैल्यू निकाल चुके हैं बी डी प्लस बी सी, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डी सी की जगह में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी प्लस बी सी। ये दिख भी रहा है, ये डी सी दोनों के सम के इक्वल है, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ए सी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस, अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी डी इंटू बी सी, ये हो जाएगा। यहाँ से बी डी भी बी डी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और देखिए टू बी डी है, हम पहले टू बी सी को इसको अरेंज करके लिख लेंगे, टू बी सी इंटू बी डी, और यही लाना था, यही प्रूफ करना था, ए बी ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी इंटू बी डी, ये आ चुका है, हैंस प्रूफ। तो बस कुछ भी नहीं था, सिंपल सा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, और जो जो चीज़ नहीं चाहिए था उसका वैल्यू रिप्लेस करके यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।